लोकसभा चुनाव जितना नजदीक है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी खेमे में हलचल उतनी ही ज्यादा मची हुई है। उत्तर प्रदेश में टिकटों को लेकर बड़ा ही मजेदार गणित देखने को मिल रहा है। कब किसका टिकट यहां कट जाए, कब किसको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, ये कोई कह नहीं सकता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी ताजा हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया था, उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन फिर पार्टी ने उनका टिकट काटकर मेरठ सीट का टिकट सुनीता वर्मा के हाथों सौंप दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों का बाजार एक बार फिर से चर्चाओं से गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के टिकटों को लेकर मचे घमासान पर इसी बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चुटकी ली है। जयंत चौधरी ने कहा है कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। इसी के साथ बीजेपी की एक रैली में भी मंच से जयंत ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पलटा नहीं हूँ, इसे पटकनी मारना कहते हैं। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहे तो मुझे चार गाली फालतू देना चाहे तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है, मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इन्हें बता देना ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं।